आज हम बीए पाठ तृतीय में 1857 की क्रांति के परिणामों का अध्ययन करेंगे। जैसा कि पूर्व कक्षा में भी हम 1857 की क्रांति की चर्चा कर चुके हैं। यह विद्रोह साल भर चला, लेकिन भारतीय विदेशी हुकूमत को भारत से निष्कासित नहीं कर सके। लॉर्ड कैनिंग को यह पूर्ण आत्मविश्वास हो गया कि विद्रोह दबा दिया जाएगा, लेकिन साल भर तक कंपनी सरकार बेचैन रही और उन्हें बहुत अधिक शक्ति और श्रम लगा, लेकिन अंग्रेजों का साम्राज्यवाद यथावत रह सका। परंतु उन्हें यह आशंका अवश्य हो गई कि भारतवासियों के दिल में हमारे लिए घृणा उत्पन्न हो रही है, अतः भविष्य में उन्हें सुरक्षा की दृष्टि से कुछ अवश्य करना चाहिए। इस कारण उन्होंने प्रमुख रूप से तीन प्रशासनिक परिवर्तन किए। ईस्ट इंडिया कंपनी का शतवर्षीय शासन समाप्त कर दिया गया। पहला, इस विद्रोह का प्रथम एवं मुख्य परिणाम यह निकला कि ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता छीन ली गई और यह सत्ता ब्रिटिश सरकार द्वारा हथिया ली गई। हालांकि कंपनी ने उसका भारी विरोध किया, परंतु 2 अगस्त 1858 को ब्रिटिश संसद में एक अधिनियम पारित किया गया। इसके अंतर्गत ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया भारत की साम्राज्ञी बन गई। बोर्ड ऑफ कंट्रोल समाप्त कर दिया गया और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के भी अधिकार कम कर दिए गए। अधिनियम में यह स्पष्ट घोषित किया गया कि भारत अब इंग्लैंड के क्राउन द्वारा शासित होगा। यह 15 सदस्यों की एक काउंसिल, जिसका अध्यक्ष सचिव होगा, के माध्यम से शासित किया जाएगा। सचिव इंग्लैंड के मंत्रिमंडल का सदस्य होगा। 15 सदस्यों की काउंसिल के 8 सदस्य साम्राज्ञी द्वारा नियुक्त किए जाएंगे और 7 सदस्य कोर्ट डायरेक्टर्स द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। काउंसिल का कार्यालय इंग्लैंड ही रहेगा। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का पद और दिया गया। गवर्नर जनरल की हैसियत से उन्हें प्रांतों का शासन देखना था और वायसराय की स्थिति में वह देशी रियासतों में क्राउन का प्रतिनिधित्व करने को कहा गया। तीसरा, 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में एक दरबार का आयोजन किया गया। इसमें रानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। यहाँ जो रानी की तरफ से घोषणा की गई, वह भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा माना गया। 1919 के प्रशासन तक विक्टोरिया की यह घोषणा उनकी प्रमुख भूमिका निभाती रही। चौथा, 1858 की घोषणा में यह विश्वास दिलाया गया कि हमारी प्रजा किसी भी जाति अथवा धर्म की क्यों न हो, स्वतंत्र रूप से और बिना भेदभाव के उन कार्यों के लिए जिनके लिए वह अपनी विद्या, योग्यता तथा ईमानदारी से करने योग्य हों, हमारी सेवा तथा पदों पर नियुक्त की जाएगी। इस प्रतिज्ञा पर आचरण करने की दृष्टि से 1861 में भारतीय जनपद सेवा अधिनियम, इंडियन सिविल सर्विस एक्ट और पारित किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत प्रतिवर्ष इंग्लैंड में एक प्रतियोगी परीक्षा प्रारंभ की गई। उसमें उत्तीर्ण होने वाले व्यक्तियों को जनपद सेवा में भर्ती किया जाने लगा, परंतु इस परीक्षा का लाभ अंग्रेजों को ही मिला। नरेशों को संतुष्ट करने की नीयत से लॉर्ड डलहौजी द्वारा
प्रतिपादित गोद न लेने की प्रथा को समाप्त कर दिया गया, जो इस क्रांति के समय का एक प्रमुख परिणाम साबित हुआ। अब निसंतान नरेश पुत्र गोद ले सकते थे। ब्रिटिश साम्राज्य के स्थायित्व में ब्रिटिश रियासतों का महत्व समझा गया। नरेशों को उनकी मान मर्यादा को बनाए रखने का भी विश्वास दिलाया गया। परिणामतः नरेश ब्रिटिश सरकार के परम स्वामी भक्त बन गए। छोटे जमींदारों व तालुकेदारों को भी इसी प्रकार का विश्वास दिलाया गया। भारतीयों को जो अपने धर्म व संस्कृति के विनाश की आशंका हो रही थी, उसे भी विश्वास देकर दूर किया गया। सरकारी सेवाओं में बिना किसी प्रकार का भेदभाव किए भारतीयों को नियुक्त करने का अधिकार देकर शिक्षित वर्ग को भी तुष्ट करने का प्रयास किया गया। परंतु इसके साथ ही पेशवा व मुगल सम्राट के पद भी सदा के लिए समाप्त कर दिए गए। इस प्रकार भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना जो 1526 में हुई थी, वह 1858 में पूर्ण हो गई। सैनिक नीति में भी परिवर्तन किए गए। 1857 के विद्रोह का विस्फोट मुख्य रूप से सैनिक असंतोष का कारण था। अतः विद्रोह दबाने के बाद सेना का पुनर्गठन करने के लिए पील कमीशन की नियुक्ति की गई। 1861 में इस कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर सेना का पुनर्गठन किया गया। अंग्रेजों का अब भारतीय सेना से विश्वास नहीं रहा, अतः सेना में ब्रिटिश सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई। तोपखाने से भारतीयों को हटा दिया गया तथा सेना में भर्ती करते समय यह ध्यान रखा गया कि किसी एक क्षेत्र, समुदाय व जाति के लोग अधिक संख्या में न हों। सैनिकों को अपने स्थानीय क्षेत्रों से हटाकर दूर दूर के क्षेत्रों में भेजा गया, ताकि वे स्थानीय लोगों के सहयोग से संगठित होकर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह न कर सके। उच्च जाति के हिंदुओं को सेना में कम लिया जाने लगा। उनके स्थान पर अशिक्षित निम्न जाति के हिंदुओं को सेना में प्राथमिकता दी गई। सिख, पठान तथा गोरखों की सेना में बड़ी संख्या में भर्ती की गई। सैनिकों की भर्ती के समय क्षेत्रीय तथा अन्य विभिन्नताओं को कायम रखा गया, ताकि सैनिक टुकड़ियों में शीघ्रता से एकता की भावना उत्पन्न न हो सके। इस प्रकार 1857 की क्रांति के परिणामों का हमने अध्ययन किया और पाया कि अंग्रेजों ने अपनी आमूल चूल नीति में परिवर्तन कर भारत में अपनी सत्ता बनाए रखने का प्रयास किया, ताकि वह लंबे समय तक भारत पर अपना शासन का अधिकार बनाए रख सकें।